अत्यधिक स्नान जो ज्वर से पीड़ित श्रीजु ज्वर उपशम पर अनसर घर चलो महाप्रभु को उपचार 14 दिन पर्यंत अनसर पिंडी में श्रीजू को उपचार कर गतकाली स्नान विधि 108 गरा शुभशीत जल में महाप्रभु स्नान करते स्नान सरवापुर हाथी बेस दर्शन देते चतुर्धामूर्ति यापर संध्या सुधा गोटी पहंडी में अनसर घर को विजे करते ठाकुर आज अनसर नीति आरंभ हो अनसर ताटी में आज दर्शन दौरान पटिदीय जगन्नाथ स्थान में अनंत नारायण बलभद्र स्थान में अनंत वासुदेव और सुभद्रा स्थान में भुवनेश्वरी पूजा पाँच श्रीमंदिर केवल पुष्प शुक्लपक्ष शुक्लपुष्प यही समय महाप्रभु को लगे सह तुलसी की रंगीन फूल लग जाए ना सेपटे राजवैदी परामर्श क्रम आज अदावस्त्र ओलागी नीति होपर अनसर पिंडी में पोणाभोग कर विधि रही अनवसर समय श्रीमंदिर दर्शन नपाई भक्त मैंने ब्रह्मगिरी अलरनाथ को दर्शन करार परंपरा रही विश्वास रही अलरनाथ को दर्शन कले श्रीजगन्नाथ दर्शन समय पुण्य मिलता है तेज चलित बर्ष कोविड कटकणा को नहीं अलरनाथ दर्शन वंचित होती भक्त मंदिर आखपाखे 144 धारा जारी रही आलबंद आचार्य द्वादश शताब्दी से शेष पर्यायर से आसिक दर्शन पाई नगन्नाथ को दर्शन पाई स्थान को चली आसते यही से शिला ब्रह्म रूप से चतुर्धामूर्ति नारायण मूर्ति को दर्शन करते तेणु जो काठरे निर्मित भगवान जी की जगन्नाथ को जो अणसर में ज्वर हुए अणसर समय अणसर पिंडी रहती पाचन मोदक दशमुड़ा प्रभृति आयुर्वेदिक औषधता समर्पण कराए तेणु यही 15 दिन एठारे अलारनाथ शिला ब्रह्म रूप से रुहती गरम परमाहन जो कि खीरी भोगता अर्पण करा जाए अत्यधिक स्नान जो ज्वर से पीड़ित होती श्रीजू ज्वर उपशम एने अनसर घर चलो महाप्रभु को उपचार 14 दिन पर्यंत अनसर पिंडे श्रीजू को उपचार कर गतकाली महाप्रभु 108 गरा सुभाषित जल में स्नान करते तेज विषय अधिक आलोचना करवा जगन्नाथ संस्कृति गवेषक डॉक्टर शरत महांती सीधा सड़क जोड़ी आम सागर आलोचना करवा श्रीजुक्त महांती आपको आलोचना को स्वागत करुच्छे बड़ कथ रही महाप्रभु गतल स्नान पूर्णिमा शेष होनसर नीति आरंभ हो बर्तन आम जानकुक चाहिए विस्तृत भाव में यह नीतिकांति कौन कह महाप्रभु को अनेक नीतिकांति रही तेज यार विशेष बा यह तात्पर्य कौन श्रीजुक्त शरत महांती आप सीधा शुनी पार्टी आपको स्वागत कर आलोचना को आज्ञा सब बड़ कथा रोचे जे महाप्रभु को जो अनेक नीतिकांति कह जाए ते गत काली स्नान पुण्य पर आज अनसर युक्त महाप्रभु कल विजय कर सारी वास्तव विस्तृत भाव में जानापी चाहबू ए नीतिकांति कौन यार केमती कौन चली था नीतिकांति केमती कौन चलता है विस्तृत भाव जानापी चाहबू देखो महाप्रभुंकर जो अणसर नीति एटा साधारणत तो समस्त एक गोपनीय नीति बोली अवलंबन करा जाए एटा एक गुप्त नीति कहीं महाप्रभुंकर स्वतंत्र सेवक केवल पति महापात्र एवं दैतापति माने एथिरे संपृक्त रही था जेतेबेले महाप्रभु 108 गड़ु स्नान सारी जोटा कि अणतुठिया जो कूप जो सुना कूप से कूपर जल सर्वदा शीतलतारे भरपूर होकर रही था माँ शीतला देवी बर्ता सम्मुखे रही था तेणु से कूप वर्ष सारा केतबेले व्यवहार हुए नी महाप्रभु को जितेबाला 108 गड़ु जल स्नान करा महाप्रभु को ज्वर आसी से ज्वर से महाप्रभु अनवसर अर्थात न अवसर से वर्तमान रत्न सिंहासन को आईपारी ना गोटे घर अच्छी भितर काठ पाखे भितर काठ पर अनवसर गृह बोली कह जाए से अनवसर गृह भितर महाप्रभु लुकायित भाव समस्त को दर्शन क्या देवेनि तेणु ताटी बा पटी आरपटे महाप्रभुंकर स्वतंत्र भाव में नीति परिचालना करा जोटा कि अनवसर नीति बोली कह जाए तेणु गत काली रातिर विलंबित प्रहर में महाप्रभुंकर सही नीति आरंभ करा जाइछि तेणु अणसर घर भितर महाप्रभु वर्तमान विश्राम रही तेणु तांकर जो अणसर जो 15 दिन काल अनवसर गृह में महाप्रभु रहिबे तांकु स्वतंत्र भाव में पूजा उपचार इत्यादि करा जिवो जो उपचार की आमर साधारणत मनुष्य माने जेते बेले
ज्वरा रोग रोगाक्रांत होती जिते विश्राम क्वारंटाइन रही था से महाप्रभु सर्वजन भक्त मान भक्त प्रिय भक्त बांछा कल्पतु से भक्त आड़वाड़े रहा वर्तमान श्रेय मन कर अणसर गृह भितर रही समय महाप्रभु को सबुठ प्रिय वस्तु है तुलसी तुलसी नैवेद्य जोटा कि वर्तमान तुलसी लगी कराए महाप्रभु को केवल श्वेत धवल वर्णर बासना फूल मालती फूल एवं समस्त प्रकार लघुपाच्य द्रव्य दुग्ध शर्करा पणा फल पणस आंब इत्यादि विभिन्न प्रकार फल एगुड़िक भोग लगी थाए तत्सहित महाप्रभुंकर सर्व सबुदिन जमी पूजा पार्वण जमी रही था महाप्रभुंकर अन्न व्यंजन इत्यादि महाप्रसाद ये सब ताटी दियो को भोग लगे महाप्रभुंकर जो ताटी दियो आमर अनंत वासुदेव नारायण भुवनेश्वरी ये पटचित्र आकार अंकित कर राति विलंबित प्रहर में घंट छता काहली सहित पटुआरे जाकर पहुँची एवं अणसर ताटीर बाहर पटे पटीदी रही पटीदी सहित आमर रही दोल गोविंद नृसिंह राम लक्ष्मी सरस्वती कृष्ण मदन मोहन यही भाव में सप्त विग्रह अणसर ताटीर बाहर पटे एक खटरे माटी मुद दि जाकर से खट उपर विराजमान कर एवं तत्सहित तीन पटेदी रही तेणु ये हूँ दस टी मूर्ति पूजा पाँच आज ठार पूजा पाइबे दस मूर्ति श्रीजुक्त महांती प्रथा परंपरा रही पटीदी को कड़े दर्शन कले कोटी पुण्य पुण्य मिलता है कथ रही अन्य प्रकार आज अलारण दर्शन आरंभ वास्तविक सामंजस्य कौन रही है परंपरा सामंजस्य कौन रही सामंजस्य आमर अलारनाथ होंगे अलबरपुर बोली गोटे ग्राम थिला जे कि पुरी ठारु अनति दूर पश्चिम दिगरे ब्रह्मगिरी उपकंठरे अलारनाथ मंदिर से मंदिर कारण है जेतेबेले भक्त टी आसिक महाप्रभु को दर्शन करने को इच्छा करते अनवसर समय चली महाप्रभुंकर दर्शन न पाइक से निजुक समुद्र में झास देवाई निर्गत हवापर जिते बमुद्र दिगरे महाप्रभु हनुमान को द्वारा ताकु प्रेरण कर दक्षिण पश्चिम दिगरे से गति करनेक दूर जावापर जितेबले निज शरीर अग्नि संजोग कर प्राण विसर्जन करने को इच्छा करके महाप्रभु प्रकट होती जो स्थान मुख मलिन पड़ जा रंग अधर सुखी जा तेणु से ही ज्वराक्रांत अवस्था भक्त को भक्त प्रिय माधव जिते दर्शन दे अलारनाथ एवं कुहा जाए जेतेबेले महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दर्शन रु भक्त टीए वंचित हए यही अनवसर समय रे अलारनाथ को दर्शन कले से ही पुण्यफल प्राप्ति होता है पटीदी जो पूजा पाँच महाप्रभुंकर से पटीदी को तो साधारणत आलोक गुड़िक स्तिमित कर दि जाए जमी आम साधारणत आम शरीर जितेबले रोगाक्रांत होता है आम उज्जवल आलोक सह्य कर पारने तेणु से पटीदी को उपचार कर पतित पावन गुमुटे पटीदी नारायण शोभा पा था तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर विग्रह को दर्शन से नए पटीदी को दर्शन तत्सहित सप्त विग्रह अर्थात दश अवतार ठाकुर को दर्शन करने द्वारा अशेष पुण्य लाभ होता है ये विश्वास रही जितेबले भक्त अलबंदाचार्य जाकर आमर जो से स्वापद संकुल वन प्रदेश समुद्र निकटवर्ती जो स्थान में सी आत्माहुति देवा चाहते से महाप्रभु सेठे प्रकट होकर दर्शन देते से ही हूँ जुग जुगपाई सेठे अलारनाथ हिसाब से महाप्रभु दर्शन दौरान भक्त मानक ये विश्वास रही समय अलारनाथ को दर्शन कले श्री जगन्नाथ चतुर्धा विग्रह दर्शन फलप्राप्ति होता है श्रीजुक्त श्रीजुक्त महांती आउ गोटे कथ शुणा मिलूँ आउ गए जहाँ रही अलारनाथ पाखे यही समय खीरी भोग हुए बहुत पुण्य बोली कह जाए भाग्य रही से भोग मिले बोली कहुए घटना को प्रथम को आज क्या देखुं देखु ओडिशार अनेक प्रांत गुड़िए जिनस तार प्रसिद्धि लाभ करमती महाप्रभु पाखे महाप्रसाद सेवन कराए जमी स्वतंत्र तार गोटे बासना थाए अलबंदाचार्य जिते दर्शन करते प्रभु से अलारनाथ हिसाब से चतुर्भुज नारायण रूप से दर्शन देती शरीर में गरम खीरी जिते से सेवन करते से गरम खीरी पड़ जाकर विस्फोटक फोटका उत्पन्न होता आज से चिन्ह देखा मिले तेणु नीलामय ठाकुर
ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ସେଠାର କୌଳିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଅଲାରନାଥଙ୍କର, ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ପଣ କରି ନ ପାରିକି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତି ଅଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ବାଳକ ପୁତ୍ରଟିଏ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ହିସାବରେ ସେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ନେଇକିରି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଳକଟିଏ ହାତରେ ମା ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିକିରି ଖାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିକିରି ସେ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଆଣିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଳକ ସୁଲଭ ଗୁଣରେ ବାଳକଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ନିବେଦନ କରିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଭାବ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଭାବର ସହିତ ବାଳକଟି ଡାକିଛି, ତା ମନରେ କୌଣସି ଛନ୍ଦ କପଟ ନାହିଁ। ରାମାୟଣରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ, ନିର୍ମଳ ମନ ଜନ ସୋ ମୋହି ପାବା ମୋହି ଛଲ କପଟ ଛିଦ୍ର ନ ଭାବା। ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଆସିକିରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ନିର୍ମଳ, ସେ କୌଣସି ଛନ୍ଦ କପଟ ତାଙ୍କ ମନ ହୃଦୟରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ କରିଦେବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ମୋ ମା ପଠେଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ୱାଦୁ କ୍ଷୀରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାନ୍ଧିକିରି, ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦ କପଟ ନାହିଁ, ଛୁଆଟିର ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଦହଡ଼ ବା ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇକିରି ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ରହିଛି। ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଲାରନାଥରେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ଚାଉଳକୁ ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରିର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା। ସେଭଳି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ବାଳକଟିଏ କରିଛି, ଆସ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ମତେ ନ ଆସେ ପୂଜା କରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାର ଗାଁ, ମୁଁ ନ ଜାଣେ ପୂଜାର ନା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ହାତରୁ କ୍ଷୀରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିଲା ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବି ରହିଛନ୍ତି, ଗବେଷକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇ ଘଟଣା ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ପୁରା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେ ଭିତରେ ଫୁଲାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଯଦି ସାମ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋପନ ନୀତି ଚାଲିଥାଏ ବା ଜ୍ୱରର ଉପଚାର ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଭାର ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦୈତାପତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବା ଉପଚାର ଚାଲିଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ରାଶି ତେଲରେ ଔଷଧି ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିକିରି ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପିକିରି ମାଟି ତଳେ ରହିଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଔଷଧି ତୈଳ, ସେ ତୈଳକୁ ଆଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ଅନବସର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସେଦିନ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ସାଧାରଣତଃ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଖଡ଼ି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଘଣା ଲାଗି ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ହେଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିରି ଦୈତାପତିମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ରୂପା ଥାଳିରେ, ତାକୁ ତାଟ ଆକାରରେ ନେଇକିରି ଶୋଭା ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳୀ ପଟୁଆରରେ ନେଇକିରି ଗଜପତିଙ୍କୁ ସେ ସୁସମ୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଖବର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅଲାରନାଥ ବିଷୟ କଥା କୁହା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁସର ନୀତି କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ସେବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ରହିଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।